मेटावर्स, आजकल ये वर्ड का हाइप सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह छाया हुआ है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मेटावर्स। मेटावर्स, बट व्हाट इज द मेटावर्स? What is the metaverse? What the heck is the metaverse anyway? In fact, कुछ experts का तो ये मानना है that it is the next big thing जो हमारी online lives को पूरी तरीके से revolutionize करने वाला है. So in this video, I'm gonna talk about that आखिर metaverse है क्या? ये कैसे काम करता है? And why it can be dangerous for all of us? But before starting the video, अगर आपको ये video informative लगता है, then do like and share this video ताकि ये video ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. और अगर आप channel पे नए हैं, then feel free to subscribe to this channel. And now without wasting any time further, let's start the video. So, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1992 में नील स्टेफेंसन की बुक स्नो क्रैश में कॉइन किया गया था। बुक में स्टेफेंसन ने यह बोला था डेट पब्लिक को एक इमेजिनरी वर्चुअल वर्ल्ड अवेलेबल कराया जाएगा जहां पे वो लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना सकते हो, पार्क्स बना सकते हो, स्ट्रीट्स बना सकते हो। इनफैक्ट वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइक ए प्लेग्राउंड जहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है और उस प्लेग्राउंड में लोग एक दूसरे को मार सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लाइक आप विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। आप एक समय ओशन में होगे और दूसरे ही समय आप पहाड़ों में चले जाओगे और तीसरे सेकंड आप अपने दोस्त के रूम में भी जा सकते हो। इन शॉर्ट, मेटावर्स आपको अपनी फैंटेसीज को जीने का मौका देगा। इसके साथ साथ आप मेटावर्स में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से वर्चुअली मीट कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, आप फलाना ढिमका कुछ भी कर सकते हो, वो भी अपने रूम से बिना निकले हुए। जैसे सोशल मीडिया में आप अपने यूजर नेम से या फिर अपने प्रोफाइल पिक्चर से पहचाने जाते हो, ठीक वैसे ही मेटावर्स में यू विल बी आइडेंटिफाइड बाई ए कस्टमाइजेबल एवटार जो चल सकता है, बात कर सकता है और कोई भी एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। यानी कि आप एक वर्चुअल रियलिटी ग्लास पहन के और अपने हाथों में कुछ डिवाइसेस पहन के आप मेटावर्स में लिटरली कुछ भी कर सकते हो। बट एंड दिस इज अ बिग बट, वी ऑल नो दिस थिंग डैट हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है तो उसका नेगेटिव साइड भी होता है। एंड एज फार एज मेटावर्स इज कंसर्न, आई फील डैट मेटावर्स नेगेटिव साइड इज रियली डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स सी हाउ। आपने ये चीज़ कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा डैट आप जब किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हो या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करते हो, देन विद इन अ सेकेंड आपको उसी टाइप के प्रोडक्ट्स के एड आपको फेसबुक में, आपको इंस्टाग्राम में, आपको यूट्यूब में शो होने लगते हैं। इनफैक्ट जब आप कोई वेबसाइट भी खोलते हो तो वहाँ भी उस टाइप के एड आपको शो होने लगते हैं। बट ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? वेल, आंसर इज फेसबुक आपके इन डेटा को, यानी कि आप क्या चीज़ें सर्च करते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, ये सारे डेटा को बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल करती है टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। हाउ डू यू सस्टेन अ बिजनेस मॉडल इन व्हिच यूजर्स डोंट पे फॉर योर सर्विस? सेनेटर, वी रन एड्स। इसके साथ साथ अगर बात सोशल मीडिया की भी की जाए तो लोग कैसे सोशल मीडिया में दिखते हैं ये लोगों को बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसीलिए लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि दे लुक देयर बेस्ट ऑल द टाइम इन सोशल मीडिया। मीन्स दिस इज द केस, कोई भी अपना वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ नहीं दिखाना चाहता सोशल मीडिया में। बट अभी तक तो ये कुछ नहीं था, जब लोग मेटावर्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तब लोगों को ये सारी चीज़ें मैटर करने लगेंगी डैट वो वर्चुअली कैसे दिखते हैं, उनका वर्चुअल घर कैसा दिखता है, उनके पास वर्चुअली कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करने लगेंगी। यानी कि लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा मैटर करने लगेगी रियल वर्ल्ड से। इन शॉर्ट, लोग अपने आप को इन सब चीज़ों से आइडेंटिफाई करेंगे और जब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो मेटावर्स आपके बारे में सब कुछ जान जाएगा। देयर विल बी नो प्राइवेसी एट ऑल। प्राइवेसी देखा जाए तो अभी भी नहीं है, बट इट विल गो टू अनदर एक्सटेंड। दे विल कलेक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा, लाइक आप कैसे सोचते हो, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, वो सारे डेटा मेटावर्स में स्टोर हो जाएंगे। इतना एक्सेस तो हम लोग अपने पेरेंट्स तक को नहीं देते। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में एक और चीज़ होती है, एक राइट विंग इंसान को सिर्फ राइट विंग कंटेंट ही पुश किया जाता है और एक लेफ्ट विंग इंसान को सिर्फ लेफ्ट विंग कंटेंट, ताकि वो लोग ज़्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म्स में रहे। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो दे सर्व यू व्हाट यू लाइक, यानी कि जो चीज़ें आपको पसंद है और जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो जानबूझकर वैसे ही चीज़ें आपको पुश करते हैं ताकि वही चीज़ आप देखते रहे। और मेटावर्स इस चीज़ को और एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेफ्ट विंगर हो और अगर आपको एक राइट विंग का इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उनको हेट करते, then in your metaverse world there will be no right wing people. आपके metaverse में सिर्फ left wing के लोग ही exist करेंगे। अगर आप earth को flat मानते हो then आपके metaverse world में earth flat ही होगा।
आई मीन हाउ रिडिकुलस दिस इज। और इसी तरह हम रियलिटी से और ज्यादा दूर होते जाएंगे, हम सच से और ज्यादा दूर होते जाएंगे और लोग और ज्यादा पोलराइज होते जाएंगे एंड इट कैन मेक ऑल ऑफ अस एक्सट्रीमिस्ट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एक राइट विंग इंसान को या फिर एक लेफ्ट विंग इंसान को लगेगा डैट उसके ही ओपिनियंस और आइडियोलॉजी सबसे सही है और बाकी सबके गलत एंड दिस इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर हेट इन द वर्ल्ड। और इस सारे क्योस में इट लीव्स अस विद ए वेरी बिग क्वेश्चन डैट एट द एंड हम इंसानों को आखिर क्या मैटर करती है। नो मैटर एक टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल एनिमल्स एंड वी स्टिल नीड टू ईट हेल्थी फूड्स, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, वर्कआउट, मीट ए पार्टनर एंड हैव ए फैमिली। एंड आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड दैट मेटावर्स हमें ये सारी चीज़ें करने देगा। आई थिंक मेटावर्स सोशल मीडिया का एक अपडेटेड वर्जन है एंड एज आई सेड दिस थिंग दैट इट विल मेक All of us an extremist and more addicted to the virtual world. जहाँ एक तरफ लोगों को metaverse use करने से एक high मिलेगा, but on the flip side more and more people will suffer from mental illness and depression. No matter ये technology कितनी ही cool क्यों ना हो, I can't see a world जहाँ पे लोग 24 घंटे एक goggle पहन के सारे समय virtual world में रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल सारे समय लोग फोन यूज करते रहते हैं। As this technology comes, लोगों के सारे काम virtual हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से virtually मिलेंगे and everything will be virtual and perfect. आपका फेस, आपका बॉडी, आप जैसे दिखाना चाहते हो बिल्कुल ही परफेक्ट दिखेगा मेटावर्स में। बट जब आप उस वर्चुअल ग्लास को उतार कर सोने से पहले अपने आप को मिरर में देखोगे, देन यू विल स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ बिकॉज इन रियल लाइफ यू आर नॉट परफेक्ट। सो दैट्स अबाउट इट। No matter what, Metaverse is going to come and we cannot stop it. But just keep this thing in mind that Metaverse hame kaise affect karegi. It all depends on us and how we use it. Video ko yahan tak dekhne ke liye aapko meri taraf se dhanyawad. Aur aap agar aisi aur interesting videos dekhna chahte ho, then watch these videos which are right in front of your screen. And now, until next time, be the change.